मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चुनावी दौरा, सबसे पहले बांदीकुई में सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे झुंझुनू के उदयपुर वाटी में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और आखिर में सीकर के श्री माधोपुर में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रदेश के मुखिया की आज 3 चुनावी सभाएं हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले बांदीकुई में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं दोपहर 2 बजे झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जनसभा को संबोधित करेंगे और आखिर में सीकर के श्री माधोपुर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रदेश के मुखिया की आज 3 चुनावी सभाएं होनी है। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब 6 मई को 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री इन शेष 12 लोकसभा सीटों पर दौरे के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से लोगों से संपर्क साध रहे हैं और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। लोकेश, आज एक साथ सीएम अशोक गहलोत की 3 चुनावी सभाएं होनी है और सबसे पहले बांदीकुई में विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है और कब तक ये सभा शुरू हो जाएगी? जी ज्योति, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी के लिए यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल पंडाल तैयार किया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। 11:30 बजे के आसपास उनका आने का कार्यक्रम है। ऐसे में जो भीड़ है उसका लगातार आना जारी है और विशाल पंडाल और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। जी लोकेश, आज मुख्यमंत्री, चूंकि 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और 12 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए सभी से, जनता से अपील करने के लिए सबसे पहले बांदीकुई में पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ साथ कितनी संख्या में यहां जनसभा पहुंचने की उम्मीद है? जी, जैसा आयोजकों द्वारा बताया जा रहा है तो कम से कम 5 से 10 हजार लोगों के इस सभा में जुटने की संभावनाएं जताई जा रही है और जैसा पंडाल में दृश्य नजर आ रहा है तो 2 से 3 हजार आदमी अभी तक सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोकेश, इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है? जी, मुख्यमंत्री के साथ जिले भर के जो भी बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। जैसे सिकराई से मंत्री महोदय ममता भूपेश वो उपस्थित रहेंगी, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना के साथ जिलाध्यक्ष रामजी लाल और समेत तमाम अग्रिम संगठनों के जो नेता हैं वो सभा में मौजूद रहेंगे। जी लोकेश, आप हमें लगातार अपडेट करते रहें और उसके बाद मुख्यमंत्री की, आपको बता दें कि 2 चुनावी सभाएं और होनी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री बांदीकुई में पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और आखिर में सीकर के श्री माधोपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दौरा, आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। प्रदेश के मुखिया आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।